आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि स्कंद पुराण के 15वें अध्याय से ली गई है। ये वह पठन्ति कृष्णेति मरणे परियुपस्थिता यदि पापयुतः पुत्र न पश्यन्ति यमं क्वचित्। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं वे यदि पापी हो तो भी कभी यमराज के दर्शन नहीं करते हैं। तो मरते वक्त अगर कृष्ण का नाम ले लिया तो यूसी, वैसे पापी लोग कृष्ण का नाम जीते जी नहीं ले पाते तो मरते वक्त कैसे लेंगे। हालांकि कृष्ण नाम की महिमा यह है कि अगर कोई ले ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन हालांकि पापी लोग ले नहीं पाते हैं। तो लेकिन अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो होता क्या है, बेसिकली अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी भी है तो उसको वो मुक्ति के धरातल पर तो आ जाएगा, इन द सेंस कि भगवान उसको पूरी सुविधा दे देंगे कि अब वो भक्ति करे और धाम निकल जाए, इतनी सुविधा दे देंगे। अच्छा, इस्कॉन में ऐसा भला किसने किया है? इस्कॉन में ऐसा किया श्री गौर गोविंद महाराज जी ने। श्री गौर गोविंद महाराज जो है, जो उनके लास्ट मोमेंट से देवर ही वॉज इन एक्सटेसी, और उनको भी पता था वो शरीर छोड़ने वाले हैं, और सारे डिवोटीज हैं कीर्तन कर रहे हैं चारों ओर, और महाराज ने बोला कि ना मेरे को मेरे गोपाल के साथ ले जाओ। फिर गोपाल यानी उनके जो डीटी से, गोपाल के जो डीटी से, उनके सामने श्री गौर गोविंद महाराज को लेके गए, और श्री गौर गोविंद महाराज ने उनके देखते 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 बोले गोपाल, एंड दैट वाज द लास्ट ब्रेथ। इस तरह श्री गौर गोविंद महाराज जी ने अपना शरीर त्याग किया था। अफकोर्स ये बात स्वरूप सिद्ध, यहाँ तो खैर पापी की बात हो रही है, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध है उसके लिए तो ये स्मूथ होता है, स्मूथ। ये कृष्ण का नाम लेना, गोपाल का नाम लेना, बिल्कुल वैसे ही मान लो कोई बिस्तर से उठे और आगे बढ़ जाए। इस तरह से हरि का भक्त गोपाल का नाम लेकर के, कृष्ण का नाम लेकर के धाम चला जाता है। बट यस, ये करना लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता। आसपास लबल की लोग रो रहे थे, तो बंदा अगर याद करना भी चाहे भगवान को याद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कर ले हरि भक्तों की कृपा से, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का जीवन संपूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम सब श्रेष्ठ भक्ति चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछों को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जाए। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।